तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार मेरे जितने भी इंडियन आर्मी के जवान हैं, लगातार इस बीच आप इंतजार कर रहे हैं अपने वैकेंसी अनाउंसमेंट का। दैट मीन हम अग्निवीर आर्मी सोल्जर एंट्री की बात करते हैं, जिसका 15 फेब को नोटिफिकेशन बिल्कुल ओपन हो जाएगा। बट साथ ही साथ मैं आपको बहुत सारी और एंट्रीज के विषय में बात कर रहा हूँ जो क्रमशः इंडियन आर्मी से जुड़ी हुई हैं। जैसे कि हाल फिलहाल में हम लोगों ने AOC की बात की, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स के विषय में। इन द सेम वे आपके सामने फिर से आज मैं एक नई वैकेंसी लेके हाजिर हूँ, जो कि इंडियन आर्मी CME पुणे के लिए है और ग्रुप सी के डिग्री में आई हुई है। वेरियस पोस्ट इसके लिए है, जो कि रिक्रूटमेंट 2023 के लिए है। लगातार अब मेरी कोशिश ये जरूर है कि इंडियन आर्मी जितने भी सेगमेंट की वैकेंसीज अलग अलग भी निकालती है, वो NDA के लिए स्पेशल वैकेंसी निकाले ट्रेनिंग सेंटर के लिए, या हमारे IMA ट्रेनिंग सेंटर के लिए निकाले, या CME पुणे के लिए निकाले, जैसे कि AOC स्पेशल वैकेंसी आई हुई हैं, तो तरह तरह की जो सेपरेट वैकेंसीज भी आती हैं, जो कि ऑब्वियसली परमानेंट कमीशन कैटेगरी में है, इनके विषय में भी मैं क्रमशः बात करूंगा आपके सामने। और बाकी बिल्कुल जितने भी हमारे अग्निवीर आर्मी एंट्री के लिए, वो बिल्कुल कमर कस लें, 15 फेब को फॉर्म आ रहा है, और फॉर्म तो आ ही रहा है बेटा, बट प्रश्न यही बड़ा है कि जो 12 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक एग्जाम होने वाला है, उसके लिए आप खुद को कितना तैयार कर रहे हैं। मेजर कल्सी क्लासेस ने जबरदस्त शुरुआत कर दी है ऑफलाइन बैचेस की, जिसमें जबरदस्त तरीके से बच्चे आके क्लास से जुड़ चुके हैं, बेहतरीन वो अपने रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं। बच्चा एवरीडे सुबह और शाम दोनों प्रॉपर फिजिकल ट्रेनिंग में जा रहे हैं आर्मी के ही इंस्ट्रक्टर के द्वारा, और साथ ही साथ उनका प्रॉपर लैब टेस्ट, दैट मीन ऑनलाइन उनका टेस्ट कराया जा रहा है, जिस पैटर्न उनको जाना है। हर हफ्ते ये मौका उनको हम दे रहे हैं, और साथ ही साथ उनके लिए मेडिकल की प्रॉपर व्यवस्था हमने की है मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर से। दैट मीन सब कुछ एक परफेक्ट तरीके से देखा जाए, उनके रिटर्न, फिजिकल, मेडिकल, हर चीज़ को लेकर के, तो बिल्कुल मेजर कल्सी के परिवार में उनको विधिवत तरीके से मिल रहा है। बस एक ही लक्ष्य से लेकर के कि बेस्ट रिजल्ट क्रिएट करना, और हमने लास्ट में बेस्ट रिजल्ट क्रिएट किया था, लास्ट एग्जाम जो 15 जनवरी को हुआ, 13 नवंबर को हुआ। अब इज द सेम वे हम फिर से एक बार इंडिया में बेस्ट रिजल्ट क्रिएट करके दिखाएंगे इंडियन आर्मी के सोल्जर एंट्री के माध्यम से। बट आज इसी सब कड़ी के बीच मैं स्पेशल एंट्री की बात करने वाला हूँ आर्मी CME पुणे ग्रुप सी के विषय में। देखो, कॉमन ये समझने की जरूरत है कि सिलेबस सबका बहुत अंतर नहीं बचा, घूम फिर के वही अर्थमेटिक, वही रीजनिंग, वही GK और वही इंग्लिश आपको पढ़ना है, ठीक है ना, जो कि कॉमनली हर तरह के आर्मी के जो एग्जाम होंगे हमारे बी कैडर में या सी कैडर में, दोनों में ही सिलेबस पैटर्न एक ही जैसा है। तो अगर आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर अर्थमेटिक का है, रीजनिंग का है, GK का, इंग्लिश का है, तो मुझे लगता है आप हर एग्जाम में बेहतर कर सकते हैं। जो भी वैकेंसी सिमल्टेनियस पैरेलली आती रहती है इंडियन आर्मी के लिए, उसी कड़ी में आज एक वैकेंसी की बात करने वाला हूँ और इसकी डिटेलिंग बात करेंगे। और साथ ही साथ हमारे साथ ऑनलाइन भी जुड़ने के लिए MKC सोल्जर एंट्री क्लासेस, बिल्कुल आप मेजर कल्सी क्लासेस के चैनल पर जाइए, चैनल सेक्शन में क्लिक करिए, जिस वीडियो जिस चैनल पे आप देख रहे हैं, तो वहां सोल्जर एंट्री क्लासेस करके स्पेशल चैनल है, उसको भी बेटा सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वो चैनल आपको बिल्कुल रेगुलर डेली मदद करता है शाम को 4 बजे से लेकर 7 बजे तक एक स्पेशल प्रिपरेशन के लिए यूट्यूब पे। और साथ ही साथ हमारे MKC लर्निंग ऐप से भी जरूर जुड़िए, जो आपको बेहतर मदद करेगा घर बैठे भी एक अच्छी तैयारी के लिए। तो चलिए आज शुरू करते हैं। ये डिटेलिंग मैंने इसलिए स्टार्टिंग में बताई क्योंकि बिल्कुल आप कंफ्यूज ना रहो, क्लियर रहे कि मेजर कल्सी क्लासेस है तो सोल्जर एंट्री की किसी भी एंट्री के लिए बच्चों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम बिल्कुल बेहतर प्लेटफॉर्म देंगे आपके लिए और हर तरह से मेहनत करके बेटा आपके सक्सेस की गाथा बेहतर ढंग से लेंगे। हमने कमीशन में हमेशा परचम लहराया है, तो हम कहीं ना कहीं नॉन कमीशन में बच्चों को अब बढ़ चढ़ के सपोर्ट कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। और किसी भी तरह के क्वारी, कोई भी कंफ्यूजन हो तो कॉल जरूर कर लिया करिए, 9696330033, ये हमारा आपका टोल फ्री नंबर है बच्चा, 9696330033, जिससे आप किसी भी तरह की क्वारी, बैच रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, बुक रिलेटेड, सब कुछ अपडेट आपको सेल्स टीम से जरूर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग CME पुणे, कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग की जब बात आती है तो थोड़ा सा इसकी इतिहास भी मैं समझा दूं। जैसे आप जानते हैं 10+2 पे एक एंट्री होती है TS एंट्री, टेक्निकल एंट्री स्कीम के नाम से, जो कि बच्चों को डायरेक्ट SSB का मौका देती है। दैट मीन इसमें कोई रिटन एग्जाम नहीं होता, जितने भी JEE मेन और बोर्ड में अच्छे परसेंटेज लिए बच्चे हमारे होते हैं, उन सबको अवसर मिलता है इसमें डायरेक्ट SSB फेस करने का। फिर उसके बाद वो CME पुणे में, मऊ जो है में एक सेंटर है आपका, सिकंदराबाद में एक सेंटर है, उन सारे सेंटर में जो है बच्चे जा करके स्पेशली अपने इंजीनियरिंग कोर्स के अपने ब्रांच वाइज ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं, यू नो इंजीनियरिंग कोर्स करते हैं। तो उसी तरह के CME पुणे जो है एक मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज है, जिसके अंतर्गत ग्रुप सी की वैकेंसी जनरेट की गई है अलग अलग पोजीशंस के लिए। हैज रिलीज डिटेल नोटिफिकेशन ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर ग्रुप सी वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2023, कैंडिडेट हु आर इंटरेस्टेड इन दीज रिक्रूटमेंट इशूड बाय द CME पुणे एंड फुलफिल द एलिजिबिलिटी कैन अप्लाई ऑनलाइन बिटवीन 4th फेब टू 4th मार्च। मतलब ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, मैं काफ़ी डिले आके आपको ये बात बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा चैनल पे शेड्यूल नहीं मिल पा रहा था, बट चलिए देर आए दुरुस्त आए। तो फॉर्म ओपन हो चुका है, आप फटाफट जाकर इसको तेजी के साथ अप्लाई कर दीजिए। 4 फरवरी से शुरू है, 4 मार्च तक है, तो बिल्कुल आप जो है आज
13 फैब को हैं, तो फटाफट अगर अभी तक इसके विषय में जानकारी नहीं है तो जाके तेजी के साथ अप्लाई कर दीजिए आप लोगों को, ठीक है ना। अब आता है बात कि एज का क्राइटेरिया क्या है सर, तो 18 से 25 साल है एंड इसमें एक ड्राइवर पोस्ट जो है उसके लिए अप टू 30 ईयर्स तक मौका दिया गया है, बट मोटा मोटा जो हर कैंडिडेट हर एंट्री के लिए होंगे 18 से 25 है। सिमी पुणे ग्रुप से रिक्रूटमेंट में जो टोटल वैकेंसीज आई 119 पोस्ट आई हैं, जिसमें सबसे हैवी पोस्ट जो आई है वो मल्टीटास्किंग स्टाफ, हमेशा एमटीएस की जो है वैकेंसी सबसे ज़्यादा रहती है मल्टीटास्किंग स्टाफ। इसमें केवल 10th मांगते हैं, मतलब हाई स्कूल आप पास हैं तो आप इसके लिए अप्लाई करिए। आईटीआई वगैरह है तो सरप्लस कहा जाता है, बट ऐसा नहीं कोई आईटीआई कंपलसन है, 10th पास भी चलेगा, आईटीआई है तो बढ़िया ही है। लोअर डिवीजन क्लर्क इसके लिए जो है 14 वैकेंसीज इन्होंने रखी हुई है, जिसमें इंटरमीडिएट आपका चाहिए और इंग्लिश टाइपिंग और हिंदी टाइपिंग भी 35 इंग्लिश में और 30 आपका हिंदी में होना जरूरी है, बट इसमें जो है इंटरमीडिएट होना आपका जरूरी है। अब इंटरमीडिएट में ऐसा नहीं है कि कॉमर्स वाले ही जाएंगे, आर्ट्स वाले ही जाएंगे, साइंस वाले, कोई भी जा सकता है, इंटर कंप्लीट होना चाहिए, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी बहुत सारे और भी हैं, जैसे लास्कर की वैकेंसी आई हुई, इसमें 10th मांगे हुए हैं, एंड इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का जो है वैकेंसी है, सीनियर मैकेनिक का है, मशीन माइंडर लिथो का है, लेबोरेटरी असिस्टेंट का, स्टोर कीपर का है, सिविलियन मोटर ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड का है, लाइब्रेरी क्लर्क का है, सैंड मॉडलर का है, कुक का है, मॉडलर का है, कारपेंटर का है, जो है मशीनिस्ट वुड वर्किंग का है, पेंटर का है, इंजीनियर का है, आर्टिफिशियर का है, स्टोरमैन टेक्निकल है, लेबोरेटरी अटेंडेंट है, फिटर जो है, जनरल मैकेनिक है, इलेक्ट्रीशियन है, और साथ ही साथ जो है ब्लैक स्मिथ मतलब लोहार भी हैं, अकाउंटेंट है, तो सबकी पोजिशन इन्होंने निकाली हुई है, सबके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन का स्ट्रक्चर बना रखा है। बट अमूमन ये मान लीजिए कि 10th एंड 12th आपको एक चार्ट बगल में दिखाई देगा जहाँ क्वालिफिकेशन क्लियर हो जाएगी। ऑनलाइन केवल अप्लाई होगा, इसमें मैनुअल मत भेज दीजिएगा अगर भर करके सीएमई पुणे, ऑनलाइन अप्लाई करना है तो बिल्कुल आप जाइए फटाफट जो है cmepune.edu.in पे जा करके फटाफट इसको तेजी के साथ जो है फॉर्म भरिए और उसको अपलोड करिए तेजी के साथ, जिससे आपका प्रोसेस वहाँ पे कंप्लीट हो। ऑनलाइन एप्लीकेशन है तो शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी, सबको ही बुलाया जाएगा, तो इसलिए भी मत घबराएं कि सबको बुलाया जाएगा कि सर नहीं बुलाया जाएगा। एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं, 1.5-2 महीने का ही प्रोसेस होता है पूरा का पूरा, तो मान लो कि मार्च लास्ट में एग्जाम भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, तो बहुत ज़्यादा डिले नहीं होगा। तो अभी से तैयारी में लग जाइए, सोल्जर एंट्री बैचेस हमारी चुनिए और अदर रिसोर्स जो हम आपको दे रहे हैं उससे मदद लेके आप तैयारी कर लें। जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन हैं, रीजनिंग के मतलब न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 हैं, जनरल इंग्लिश के 25 हैं, जनरल अवेयरनेस के 25, वही 100 क्वेश्चन है, 2 घंटे का समय होगा आपके पास, बिल्कुल बढ़िया पेपर आता है, वहीं सेंटर पे आपको बुलाएंगे और वहीं पेपर होगा और वहीं स्किल्स टेस्ट होगा, फिर वहीं अपना फिजिकल वगैरह कराएंगे, प्रोसेस आपका क्या हो जाएगा, डन हो जाएगा। तो यही प्रक्रिया है और बाकी इसके सपोर्ट के लिए मैंने बता दिया कि यूट्यूब पर आप एमकेसी सोल्जर एंट्री क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए या फिर मेजर कल्सी क्लासेस के ऑफलाइन सेंटर पर आ जाइए, बिल्कुल जम के मेहनत करते हैं और हर तरह की वैकेंसी के लिए हम आपको तैयार करते हैं। हमारा ये सोचना है कि बच्चा आए तो कहीं ना कहीं वर्दी जरूर पाए इंडियन आर्मी के अंदर, इसी वर्दी पाने के सपने को लेकर हर बच्चा एमकेसी से जुड़ता है और फाइनली अपना सपना पूरा करता है। तो आशा करता हूं जानकारी आपको हो चुकी होंगी सब, बाकी फर्दर भी किसी अपडेट के लिए मैं जरूर आपके सामने आऊंगा और डिटेल में बताऊंगा। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल गुड लक, किसी भी तरह की क्वेरी एंड कंफर्मेशन के लिए कॉल जरूर कर लें 9696330033। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, जय हिंद जय भारत।